Hang on, but look. बंद हो जाओ यार, मुझे वीडियो शूट करना है। बंद हो जाओ यार, ये कार का जो हॉर्न है वो बंद ही नहीं हो रहा। चुनी 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 Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? So आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 3 न्यू टैटूज और उनकी कुछ छोटी मोटी स्टोरीज के मैंने ये टैटूज क्यों करवाए हैं, क्या रीजन था इन टैटूज के पीछे का. सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने टोटल 5 टैटूज करवा रखे हैं और सबसे फर्स्ट टैटू जो मैंने करवाया था वो मैंने अपने पैरों पे करवाया था. अपने पैरों पे मतलब अपने एक पैर पे करवाया था, नॉट दो पैरों पे, एक पैर पे मैंने करवाया है और वो टैटू है बटरफ्लाई का. सो ऑब्वियसली मैं टैटू आपको पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख सकते हैं किस टाइप का मैंने टैटू करवाया है. सो वो टैटू सबसे फर्स्ट टैटू था मेरा और वो मैंने आई थिंक आज से 5 ईयर्स पहले करवाया था. सो मैंने जितने भी टैटूज करवाए हैं सारे टैटूज मैंने गोवा में करवाए हैं. गोवा में टैटू करवाया इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ता है इसलिए गोवा में करवाया है. गोवा में एक ही शॉप है जहाँ पे मैंने हर बार टैटू करवाए हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वहाँ के जो ओनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड करते हैं कि आप एक्चुअली में अपने दिमाग में क्या लेके चल रहे हो, उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करते हैं कि कैसा टैटू करवाना चाहिए और एवरीथिंग इन डिटेल. सो वो टैटू मेरा सबसे फर्स्ट टैटू था. और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टैटू करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. तो गाइज दिस इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी, ये सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है. लाइक किसी को टैटू बहुत ज़्यादा पसंद होता है करवाना और किसी को टैटू बिल्कुल पसंद नहीं होता. सो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें टैटू करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए बिकॉज आगे आने वाली बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है. सो जो टैटू लवर्स है ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए मैंने बनाई है. सो टैटू आप अपनी मर्जी से, आप अपने शौक से करवाते हैं. सो मैं जितनी बार गोवा गई हूँ उतनी बार मैंने एक टैटू ज़रूर से करवाया है. तो ये मेरी शायद थर्ड या फोर्थ ट्रिप थी, बट लास्ट ट्रिप जो मैंने की थी उसमें मैंने कोई टैटू नहीं करवाया था. सो इस बार की ट्रिप पे मैंने 3 टैटूज करवाए हैं. सो बात करते करते आपको मेरा एक टैटू जो है वो तो दिख ही रहा है. सो यहाँ पे मैंने इस फिंगर में क्राउन टैटू करवाया है और क्राउन एक्चुअली मैंने सोचा था यहाँ पे नेक पे करवाने के लिए, यानी बैक पे, बट क्योंकि हेयर्स होते हैं हमारे तो हम लड़कियों के खुले बाल ज़्यादा होते हैं तो मुझे लगा इतना ज़्यादा वो टैटू शो नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैंने अभी के लिए उस आइडिया को ड्रॉप किया है. लेकिन अगेन मेरे दिमाग में वो है कि मुझे यहाँ एक टैटू करवाना है. सो मे बी कभी और मैं गई तो मैं ज़रूर से टैटू करवाऊंगी. सो वो सबसे पहला जो मैंने पैर पे टैटू करवाया था उसे 5 साल हो चुके हैं. बहुत अच्छे से मैंने करवा लिया था. पेनफुल, यस ऑब्वियसली इट इज़ पेनफुल. बहुत ईजीली तो कोई टैटू बन नहीं जाता है, टैटू में थोड़ा बहुत पेन तो आपको होता ही है लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सी प्लेस चूज़ की है उस पर डिपेंड करता है. लाइक जो मैंने पैर पे टैटू करवाया था दैट वॉज एक्सट्रीमली पेनफुल, लेकिन मैंने जो हाथों पे टैटू करवाया उसमें मुझे बहुत पेन नहीं हुआ था. तो पैरों पे जो टैटू करवाया वो पेनफुल था ऑब्वियसली. ये वाला टैटू बनवाने का रीज़न जो था मेरा कि ये मैंने डिज़ाइन क्यों चूज़ की थी कि लाइफ, ये जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि येस गॉड हैज़ गिवन मी लाइफ, मुझे लाइफ मिली है और मुझे उसे जीना है, मुझे उसे इंजॉय करना है. हर टैटू का अपना एक आप अपने लिए मतलब निकाल सकते हो, किसी के लिए इसका कुछ और मतलब होगा, किसी के लिए कुछ और होगा. लेकिन मैं जब भी इस टैटू को देखती हूँ तो मुझे अपनी वो गोवा की ट्रिप याद आती है, मैंने कितना एंजॉय किया था वो याद आता है और साथ ही साथ ये याद आता है कि लाइफ है मेरे पास तो मुझे उसे अच्छे से जीना चाहिए. तो बस उस चीज को सोच के मैंने ये टैटू को करवाया था. अब बढ़ते हैं मेरे थर्ड टैटू की तरफ जो मैंने इस बार गोवा में करवाया. वो मैंने आपको दिखाया कि मैंने इस फिंगर में क्राउन टैटू करवाया है और ये मैंने बहुत सोच के नहीं करवाया था. लाइक मुझे फिंगर पे कुछ टैटू चाहिए था, मैंने सोचा कि मुझे इस बार फिंगर पे कुछ चाहिए तो मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस देखी ना तो वो सिंपल से 2 लाइन 3 लाइंस वाली तो वो मुझे ऐसे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा मेहंदी की डिज़ाइन लग रही है, टैटू नहीं लग रहा है तो मैंने वैसा नहीं करवाया. बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे क्राउन टैटू बहुत ज़्यादा पसंद आया था. एक्चुअली क्राउन टैटू आप यहाँ पे करवाओ तो ज़्यादा सुंदर लगता है
लेकिन मैं ऑलरेडी अपने इस हैंड में यहाँ पे फिंगर पर टैटू करवा चुकी थी, तो फिर मैंने ये वाला टैटू चूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट टैटू मैंने करवाया है रिस्ट पे, ये, और ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे आर है, तो ये मैंने इनिशियल्स लिखवाए हैं डी एंड आर से रेहान रोहन दोनों हो जाता है। सो इनिशियल्स लिखवाने के बाद मैंने यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि इनिशियल्स लिखवाने के बाद बैंड जो है वो मुझे कैसे करवाना है, क्या करवाना है, इतना ज़्यादा मैंने सोचा लेकिन नहीं समझ में आया मुझे कुछ भी। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप सिर्फ डॉट डॉट्स करके अभी छोड़ दो, इसको आगे मुझे कैसे करवाना है और इसे मैं कैसे कंप्लीट करूंगी ये मैं नेक्स्ट ट्रिप में ज़रूर से सोच के आऊँगी, उसके बाद मैं उन्हीं के पास इसे कंप्लीट करवाऊँगी। सो सिंपल सा मैंने यहाँ पे सिर्फ ये डॉट डॉट डॉट्स करवाए हैं, क्योंकि ये डॉट डॉट्स से आप जो भी मतलब आगे और टैटू करवाना चाहते हो इजीली करवा सकते हो। सो इसलिए मैंने सिर्फ ये इतना ही करवाया है। और जो मेरा लास्ट एंड फिफ्थ टैटू है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है ये वाला टैटू। और इस टैटू में एक बर्ड है जो उड़ रहा है और यहाँ पे लिखा है बिलीव। सो ये टैटू मैंने अगेन कुछ सोच के करवाया है कि क्या बिलीव करना है आपको, ये आप अगेन अब अपने अलग अलग थॉट्स कर सकते हो, बिलीव का कुछ और मतलब निकल सकता है, लाइक आप जो अपना सोचना चाहो वैसा सोच सकते हो। लेकिन मैंने इस टैटू को करवाने से पहले ये सोचा था बिलीव इन योर वर्क, बिलीव व्हाट एवर यू डू, आप जो कर रहे हो आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, लाइफ मिली है आपको लाइफ को जियो और जी रहे हो और अपना काम कर रहे हो उसको, उसमें आप बिलीव करते रहो कि येस आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग राइट। तो बस कुछ ऐसे छोटे मोटे थॉट्स के साथ मैंने ये टैटूज करवाए अपने हाथों पे, तो एक दो और ये वाला थर्ड, ये थ्री न्यू टैटूज है मेरे। और टैटू के पहले और टैटू के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और यस ऑब्वियसली टैटू करवाते वक्त भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है तो वो मैं आपको जरूर से दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको अपने टैटू की स्टोरी बताई है। मैं अभी थोड़ा सा और सर्च में हूँ कि इस वाले टैटू को मैं कैसे कंप्लीट करूँ। सो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करिए कि इस टैटू को मुझे कंप्लीट करने की ज़रूरत है या नहीं है, या ये टैटू आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, जो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नीड है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, सजेशंस की, एडवाइस की, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ इस टैटू को लेके। यही थी कुछ मेरी टैटू की स्टोरी और मैंने टैटूज क्यों करवाए हैं उसके पीछे की स्टोरी। सो ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो था, जस्ट आप लोगों के साथ चिटचैट करने के लिए वीडियो किया है मैंने। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, टैटू स्टोरी जो थी, टैटू के बिलीव जो थे वो कैसे लगे, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा कि इस टैटू के बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे इसे कंप्लीट करना है या ये ऐसे ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जो भी आप सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।